आज का सुसंस्कार अनुवृत्ति चेतना का कैसे विकास हो। अनुव्रत का मतलब छोटे छोटे नियम, ऐसे संकल्प जो कि सीधे सीधे सरल सरल है, हर एक व्यक्ति कर सकता है, उनका पालन करना वह अनुव्रत कहलाता है। इसकी पूरी एक आचार संहिता है। तो अनुव्रत की चेतना जागृत कैसे हो, उसके लिए व्यक्ति को अनुव्रत का पूरी थ्योरी को पढ़ना होता है, हिंसा अहिंसा को जानना होता है कि जो जीवित प्राणी होता है उसको मारना पीटना और उसको किसी प्रकार का कष्ट देना वो हिंसा कहलाती है, और जो जड़ पदार्थ होता है जो कि सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है और उसके साथ साथ के अंदर वो जो है सुख जो किसी तरह फीलिंग नहीं करता तो उसको कोई दुख नहीं होता है। इसलिए अहिंसा अहिंसा की जानकारी अनुवृत्ति को होनी चाहिए और अनुवृत्ति को ये डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि जो है ये इसको कष्ट देने से हिंसा होती है, दुख होता है, और जड़ को जो है वो कष्ट देने से कष्ट नहीं होता है। ये दोनों का डिफरेंस भेद उसको आना चाहिए। तो अनुव्रत की चेतना को जगाने के लिए हमें इच्छा परिमाण करना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी और हमारे परिवार की, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, वो नीड कहलाती, वो तो जायज है, लेकिन ग्रीड का खाता इससे कई कई गुना बड़ा है, उसको क्लोज करना पड़ेगा, तभी वो अनुव्रत की चेतना जागृत हो सकती है। और अनुव्रत की चेतना में यही होता है, किसी को दुख ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के दोष नहीं देखे जाए, लोगों के गुण देखे जाए, इसी से अनुव्रत की चेतना का विकास होता है।